अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या का महल था। राजा दशरथ महान और धर्म प्रिय थे, लेकिन एक चिंता उन्हें सताती थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों से परामर्श किया और यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। यज्ञ के बाद राजा को एक दिव्य अमृत का पात्र मिला, जिसे उन्होंने अपनी रानियों को दे दिया। रानी कौशल्या ने इस अमृत का सेवन किया और जल्द ही गर्भवती हुई। उनका गर्भ धारण करना पूरे राज्य में खुशी का कारण बना। जब 9 महीने बाद कौशल्या ने एक सुंदर को जन्म दिया तो उन्होंने उसका नाम राम रखा। राम का जन्म सिर्फ दशरथ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण अयोध्या के लिए एक महान आशीर्वाद था। राम का स्वरूप और गुण सभी को आकर्षित करते थे। उन्होंने बचपन से वीरता, ज्ञान और धर्म का पालन किया। राजा दशरथ और रानी कौशल्या का हृदय गर्व से भर गया, क्योंकि उनका पुत्र धरती के रक्षक बनकर उभरा। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में खुशियों का माहौल था। नगरवासियों ने दीप जलाकर और जश्न मनाकर इस दिव्य घटना का स्वागत किया। राम की परवरिश में उन्हें न केवल राजा दशरथ और रानी कौशल्या का प्यार मिला, बल्कि उनकी बहनें और भाई भी उनका स्नेह करते थे। राम का जन्म ही नहीं बल्कि उनका जीवन भी प्रेम, बलिदान और धर्म